Good morning, my dear lovely students. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll start our new chapter, Haldi's Adventure, chapter number 2. Haldi एक लड़की का नाम है. Adventure मतलब होता है रोमांचक. ठीक है, तो हम कभी कोई जो मज़ेदार चीज़ करते हैं, जो हमने सोचा नहीं होता है, या हमने बहुत पहली बार एक्सपीरियंस किया होता है, जो हमें दिल को अच्छा लगता है, उसे कहते हैं एडवेंचर. तो हल्दी का एडवेंचर क्या था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज हल्दी वॉक टू स्कूल, शी मेट अ जिराफ. एक सुबह जब हल्दी अपने स्कूल की तरफ जा रही थी, तो उसे एक जिराफ मिला. जिराफ को हिंदी में भी जिराफ ही कहते हैं, लंबी गर्दन वाला जानवर. द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड. जिराफ ने बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे, वोर मतलब पहना, बड़े चश्मे पहने हुए थे, और उसके हाथ में एक बुक भी थी. उसने एक हाथ में एक बुक पकड़ी हुई थी. ही स्माइल एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी. उसने मुस्कुरा के कहा, सुप्रभात हल्दी. जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे हम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग विश करते हैं, और जब सुबह मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं. हल्दी लुक्ड अप एट हिम. आई एम सॉरी टू स्टेयर, शी सेड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू. अब क्योंकि हल्दी जो थी वो छोटी थी और जिराफ बहुत बड़ा था, तो हल्दी ऊपर की तरफ उसकी तरफ देखा, जिराफ की तरफ, और उसने कहा कि स्टेयर मतलब घूरना, कि तुम्हें घूरने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मैंने आप जैसा जिराफ आज तक मैं आप जैसे जिराफ से नहीं मिली हूँ. माय नेम इज़ स्माइली, सेड द जिराफ. उसने बोला, मेरा, जिराफ ने बताया कि मेरा नाम स्माइली है. Whenever you see me, you will smile. उसने बोला, जब भी आप मुझे देखोगे आप स्माइल करोगे, आप मुस्कुराओगे. हल्दी was surprised. हल्दी जो थी वो हैरान थी, and happy too, और खुश भी थी. Then she remembered. तभी उसे याद आया that she would be late for school, कि वो स्कूल के लिए, उसको देरी हो जाएगी, वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी. सो शी सेड टू द जिराफ. तो उसने जिराफ को कहा, आई वुड लव टू टॉक टू यू. मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगेगा, बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट फॉर स्कूल और आई विल बी लेट. उसने कहा कि पर मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है आ रहा है या आएगा मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद आएगा पर मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी निकलना होगा. मस्ट मतलब ज़रूर, रश मतलब जल्दी, तो मुझे ज़रूर जल्दी निकलना चाहिए स्कूल के लिए, वरना मैं लेट हो जाऊँगी. तो जिराफ सेड, जिराफ ने कहा, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक. उसने कहा कि अरे नहीं, अगर तुम मेरी पीठ पर सवारी करोगी तो तुम लेट नहीं होगी. इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. उसने बोला कि मैं इतना तेज़ भागूंगा कि आप लोग को, तुम्हें ये लगेगा जैसे तुम मेरे पीठ पे बैठोगी, और मैं तुम्हें लेकर इतनी तेज़ भागूंगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उड़ते हुए स्कूल जा रही हो. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. अब उसने पूछा, क्या तुम स्कूल रोज़ जाती हो. यस सेड हल्दी. हल्दी ने कहा, हाँ, आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूजडेज, वेंसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज. उसने कहा कि हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी. ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल. और उसने कहा कि और शनिवार को मैं स्कूल में गेम्स खेलती हूँ. वॉट डू यू डू इन द स्कूल. अब उसने पूछा, तुम स्कूल में क्या करती हो. आज से जिराफ, जिराफ ने पूछा हल्दी से. आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स. अब उसने बोला कि मैं स्कूल में तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, चिड़ियाओं के बारे में और जानवरों के बारे में सीखती हूँ. लर्न मतलब सीखना. दैट इज़ गुड, सेड द जिराफ. जिराफ ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है. आई लव बुक्स टू. मुझे भी किताबें बहुत पसंद हैं. दे आर लॉट्स ऑफ फन. बहुत मज़ेदार की मज़ेदार चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आता है. नाउ जम्प ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल. अब जिराफ ने बोला कि अब तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ. हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक एंड फाउंड दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप. अब जैसे ही हल्दी जो है वो जिराफ के बैक पर, पीठ पर बैठी, उसने पाया, फाउंड मतलब पाया, कि वो बहुत सारी चीज़ें ऊंचाई से देख पा रही थी. टॉप मतलब ऊंचाई, कि वो ऊंचाई से बहुत सारी चीज़ें देख पा रही थी.
एंड बिफोर शी न्यू इफ शी हैड रीच द स्कूल प्लेग्राउंड, और जब तक कि वो कुछ और सोच पाती वो स्कूल के प्लेग्राउंड खेल के मैदान में पहुंच चुकी थी। शी क्लाइम्ब डाउन, वो नीचे उतरी। व्हेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे, जैसे वो पीछे मुड़ी उसको थैंक करने के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए क्योंकि जिराफ ने उसकी हेल्प की थी, तो उसने पाया कि जो जिराफ है वो जा चुका है, गॉन अवे मतलब चले जाना। ओ हल्दी थॉट, हल्दी करी अरे व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, कि कितना रोमांचक, वंडरफुल मतलब मज़ेदार, कितना मज़ेदार रोमांचक दिन था। नाउ न्यू वर्ड्स, जिराफ, जिराफ को जिराफ ही कहते हैं या लंबी गर्दन वाला जानवर। आई लव जिराफ, जिराफ इज़ माई फेवरेट एनिमल। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। या आश्चर्य होना, हैरान होना। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूँ या मैं आश्चर्यचकित हूँ। माई मदर सरप्राइज्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझे आश्चर्यचकित किया। एडवेंचर, रोमांचक। आई लव एडवेंचर, मुझे रोमांच पसंद है, मुझे रोमांचक चीज़। आई लव टू डू एडवेंचरस थिंग, मुझे रोमांचक चीज़ें करना पसंद है। आई डिड एन एडवेंचर टूडे, मैंने आज एक रोमांच किया। वंडरफुल, मज़ेदार। माई मदर मेड अ वंडरफुल खीर, आई प्लेड अ वंडरफुल गेम। प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। खेल का मैदान। I play in the playground. There is a playground in front of my house. So I told you some of the examples of the word meanings. आपको हर word, new word का एक sentence, उसका हिंदी meaning अपनी English की notebook में लिखना है. So today's homework is you have to read the chapter carefully and then you have to complete the new words with one sentence each in your English notebook. And don't forget to mention the day and date and chapter's name. That's all for today's class. Thank you and have a good day.